साइकोसिस या गंभीर मानसिक बीमारी, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। काफी लोग हमारे यहाँ साइकोसिस के आते हैं, और साइकोसिस मतलब एक गंभीर स्वरूप की बीमारी है जिसमें वास्तवता से उसका रिश्ता टूट जाता है। वो व्यक्ति का रिश्ता वास्तवता से टूट जाता है, रियलिटी से टूट जाता है। वो रियलिटी का टच में नहीं रहता, उसको मालूम ही नहीं रहता कि अपन बीमार है। उसको जो भी सेंस हो रहा है, सेंसेशन जो भी हो रहा है, वो आभास होता है उसको, वो सच्ची नहीं होता। उसको जो विचार आते हैं, वो विचार एक फर्म बिलीव है जो रियलिटी में नहीं है। तो उसके विचार, उसके आभास, उसका बोलना, ये सब रियलिटी के विपरीत होते रहता है। उसको लगता है कि मैं तो अच्छा हूँ, उसको ऐसा लगता है ना कि उसको कुछ प्रॉब्लम है। फिर ऐसे पेशेंट को रिलेटिव्स पकड़ के लाते हैं, उठा के लाते हैं, जबरदस्ती लाते हैं। कभी कभी ये पेशेंट बहुत आक्रामक हो जाता है, उसका मूड कभी डिप्रेस्ड हो जाता है, ये परिवार और दोस्तों से अलग अलग रहता है। इसको लगता है कि लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, ऐसा फर्म डिल्यूजन, उसको बोलते हैं फर्म बिलीफ विच इज कॉन्ट्रेरी टू रियलिटी, मतलब वास्तवता के विपरीत उसका बिलीफ रहता है, पक्का विश्वास कि लोग तो मेरे खिलाफ ही काम कर, लोग मुझे जहर खिला रहे, कोई ना कोई मेरे को जहर खिला के मारने वाला है, लोग मेरे बारे में साजिश बना रहे हैं और कुछ ना कुछ वो करने वाले हैं। तो ऐसा उसको, उसका ऐसा फर्म बिलीफ जिसको बोलते हैं डिल्यूजन्स, वो होते हैं। उसको फिर हेलुसिनेशंस होते हैं। हेलुसिनेशन मतलब अपने जो पंचेंद्रिय है वहां से आवाज होना। पंचेंद्रिय मतलब कौन सा? एक एक कान, वहां से आवाज आते रहते हैं। जब कोई नहीं है तभी उसको लोगों की आवाज आएंगे। दूसरे आंखें, वहां से उसको कोई सामने नहीं तो उसको दिखेगा कोई तभी सामने है। नाक, कुछ भी नहीं है तो उसको बुरा बांस आएगा या कुछ अलग स्मेल आएगा। त्वचा, उसको त्वचा को ऐसा लगेगा कि कुछ तो भी विपरीत सेंसेशन हो रहा है, कीड़े घूम रहे हैं, चमड़ी के नीचे कीड़े घूम रहे हैं। टेस्ट में उसको लगता है कि कोई मुझे खिला रहा है और मेरा जो अनाज है उसका कोई टेस्ट बिगड़ गया और उसको उसमें जहर मिला जा रहा और वो कड़वा लग रहा है। ऐसे हमारे जो पंचेंद्रिय है वहाँ से उसको आभास हो जाते हैं जिसका कोई ताल्लुक रियलिटी से नहीं है। खुद से वो बड़बड़ करेगा, अपने आप से बड़बड़ करेगा। उसको कोई दिख रहा है तो वहाँ से उनके साथ में बातचीत करेगा या नीचे मुंह डाल के बातचीत करेगा। परिवार के साथ में टच में नहीं है, दोस्तों के साथ में टच नहीं है। कभी लोगों के ऊपर आक्रमण करेगा कि उसको लगता है कि लोग खिलाफ है तो पहले उनको मार डालो, इसलिए वो आक्रमण करेगा या फिर खुद को मार लेगा। कोई काम में उसका ख्याल नहीं रहता है, लक्ष्य कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता हो और उसको लगता है कि लोग अपने बारे में चिल्ला रहे हैं, बात कर रहे हैं। अभी आज ही मैंने एक पेशेंट देखी तो उसको ऐसा लगता था कि अपन जो भी घर में बात करते हैं वो बाजू वालों को मालूम पड़ जाती है, उनको सुना ही आता है अपन जो बोलते हो। हालांकि वैसा कुछ रियलिटी में है नहीं। वो कितने भी बोलो, मैं कितने भी छोटी आवाज़ में बोलूँ तो भी उनको सब पता चल जाता है और वो फिर मेरे ऊपर नज़र रखते हैं और वो नज़र रख के फिर मुझे कैमरे लगा के वो मेरा शूटिंग करेंगे और वो व्हाट्सएप पे इधर उधर दे डालेंगे ताकि मेरी इज्जत निकल जाएंगे, ऐसा उसको लगता है। अब ये उसको ससुराल में जब गई तो ऐसा हो गया था, शादी के बाद ससुराल गई, वहाँ ऐसा हो गया उन्होंने वापस भेज दिया। अब वहाँ जाने को तैयार नहीं था कि नहीं मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ, सब लोग वैसे है, वहाँ भी तो पड़ोसी ऐसी है, यहाँ भी पड़ोसी, घर में आते पेरेंट्स के साथ में वहाँ भी पड़ोसी ऐसे है। मतलब उसको रियलिटी नहीं है मालूम कि नहीं ये विपरीत है, ये सच्ची नहीं है। वो उसको लगता कि ये सच्ची है और मानने को तैयार नहीं होती। और हम जब उनके हाँ में हाँ मिला के फिर उसको अच्छा लगता है। तो उसका ये थॉट डिसऑर्डर है और थॉट डिसऑर्डर का इलाज एंटीसाइकोटिक से होता है। अभी अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं कि जो दवाइयाँ हम देते हैं, समझो एंटीसाइकोटिक देके भी फायदा नहीं है, ज़्यादा उसका डोज न्यूर एंटीसाइकोटिक है वो देना पड़ता है और वो भी नहीं है तो हम शॉक ट्रीटमेंट देते हैं और शॉक ट्रीटमेंट से पेशेंट अच्छी हो जाती है, अच्छा हो जाता है। तो ये सब हम करते हैं तो पेशेंट ठीक हो जाता है। ये कोई बाहर का नहीं है, बाहर का है भूत प्रेत है, भूत पलीत है, कोई आत्मा ने उसको पछाड़ लिया है करके। हमारे यहाँ काफ़ी देहात के लोग आते रहते हैं, छोटे छोटे गाँव के लोग आते रहते हैं, वो पहले मंदिर में मस्जिद में जाते हैं, वहाँ के बुआ बाजी जो है वहाँ होती रहती है, उनसे वो मिलते रहते हैं और फिर वो वहाँ का जो बुआ रहता है, बाबा रहता है, वो उनको बोलता है कि बाहर का किया हुआ है, उनको मार पीट करता है। आज और एक दूसरा पेशेंट लाया था, उसके हाथ के ऊपर कपूर जलाया था, है ना, तो उसका पूरा हाथ ऐसा पूरा इतना जल गया था, पूरा डीप वुंड और उसमें इन्फेक्शन भी हुआ है और बोले बाहर का है, उसको जलाएंगे तो वो ठीक हो जाएगा। मतलब इस तरह का होता है, उनको इलाज करना जरूरी है, इलाज करते तो पेशेंट अच्छे हो जाते हैं। आपको ऐसे कोई दिखे पेशेंट और रिलेटिव्स तैयार नहीं है तो डेफिनेटली उनका काउंसिलिंग करो। जिनके घर में ऐसे पेशेंट है उन्होंने पेशेंट को उठा के लाना है, जबरदस्ती लाना है। हमने क्या किया है, हम पेशेंट को उनके घर से उठा के लाते, यदि रिलेटिव्स
ला नहीं सकते, सक्षम नहीं है पेशेंट को लाने के लिए। हम हमारी टीम भेजते हैं और टीम भेज के उनको घर से उठा के हमारे हॉस्पिटल में ला के भर्ती करते, क्योंकि वो इतने आक्रामक रहते, इतने बड़े होते कि भैया वो मानते नहीं घर वालों को, पुलिस कोई उनको हेल्प नहीं करती ऐसे इसमें, पुलिस बोलती नहीं हम कंप्लेंट लेते ही नहीं है ऐसे इसमें, आप देखो क्या करना है। तो और फिर ऐसे इसमें फिर हम लोगों को भेज के उनको उठा के लाते हैं, फिर कभी रिलेटिव्स दिखे कि वो ज़्यादा ही आक्रमण करता है फिर हम उनको अकेले में रखते हैं, रिलेटिव्स को भेज देते हैं बंद वार्ड में, उसको रखते उसका इलाज करते फिर उनको बुलाते रिलेटिव्स को और फिर वो उसको घर पर ले जाते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा जरूर लोगों को शेयर करो, ताकि लोग ऐसे पेशेंट बाहर का ना समझते हुए वो बीमारी है और उसका इलाज हो सकता है समझ के उसका इलाज करेंगे, ताकि वो अपने जीवन में अपने लाइफ में वापस जाएंगे और अपना जीवन अच्छा जी सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।